डम तो हुई मैं बेवकूफ तो हुई मैं चूतिया तो हुई लेकिन मैं मनुष भी हूं क्योंकि जैसे मैंने न्यूज़पेपर खोला पहली न्यूज़ थी बिल गेट्स का डिवोर्स हो गया बोल बच्चन अजुन अजुन सो हेलो हाय सब लोग पहचानते ना मुझे अच्छा वीडियो तुमने भी नहीं देखा है <laughs> तो रिसेंटली मेरे लास्ट परफॉर्मेंस के वक्त एक वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ था मतलब बहुत वायरल सिर्फ पाँच सौ लोगों ने देखा <laughs> चैनल के सब्सक्राइबर दस हजार है मतलब अगर किसी का एम थ्री बैकलॉग भी लगा उसको भी पता चलेगा कि नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों ने नहीं देखा मतलब इतना बुरा मैं टिंडर पर भी इग्नोर नहीं हुआ हूँ <laughs> नहीं सीरियसली टिंडर पे क्या वो लोग लो सीधे मैसेज करते हैं चैटिंग के सौ कॉलिंग के तीन सौ वीडियो कॉलिंग के पाँच सौ और मीटिंग के हज़ार <laughs> क्या अरे गर्लफ्रेंड बनने वाली है गर्लफ्रेंड खर्चा कराती है सही ना <laughs> हाँ तो ठीक है ये तो हल्की फुल्की बातें थी एक डिस्क्लेमर है मेरी परफॉर्मेंस से पहले आ, मेरा एक दोस्त था था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने लास्ट वीडियो अपने बाप के साथ देखा था <laughs> नहीं लेकिन हर बुरी चीज़ में कोई अच्छी चीज़ होती है तो यू you नो know, अंकल पचपन साल की उम्र में ट्राई कर रहे हैं मुझे नया दोस्त देने की <laughs> तो <laughs> अरे एक साथ हो सो यार इंस्टॉलमेंट में मत हँसो <laughs> हँसो तो मेरे जोक्स उन बच्चों के लिए जिनके बाप बनने के सपने टॉयलेट में बह जाते हैं उन बापों के लिए नहीं जो बच्चों के बनाए शैम्पू पर फिसल जाते हैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मेरे कुछ जोक अभी समझ में आएंगे कुछ जोक बाद में समझ में आएंगे और कुछ जोक जब आप अठारह साल के हो जाओगे तब समझ में आएंगे तो कमेंट में लिखना मत गांडू हंसना था क्या तो ठीक है तो आज बात करते हैं बात करते मतलब मैं बोलूँगा तुम लोग सिर्फ सुनोगे क्योंकि माइक जिसके हाथ में होता है बकचोदी वही करता है तो आज हम लोग मतलब मैं बात करूँगा दुनिया की सबसे हरामी प्रजाति के बारे में मतलब गालियों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना होगा तो भी मुझे कैफर करते तो जो भी सबसे गंदी गाली आती है वो सोचो दिमाग में अब ऐसे बंदे को जो ऐसे बंदे को दो वो गाली जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हाँ वो है तुम्हारा दोस्त <laughs> हाँ मतलब ये दोस्त ऐसी प्रजाति है ना जो आपकी खुशियों में खुश नहीं होगी लेकिन आपके दुख में दुखी भी नहीं होंगे <laughs> नहीं ये मैं खराब जो किसी बीच बीच में मारता हूँ ताकि देखूँ कौन जाग रहा है कौन सो रहा है <laughs> तो एनी anyway, तो दोस्तों के बेसिकली तीन टाइप होते हैं तो जैसे मैंने रिसेंटली कहा कि मेरा वीडियो नहीं चला उतना तो फिर मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि देकर एक एक बंदे को पर्सनली लिंक भेजनी पड़ी एक ने मुझे रिप्लाई किया था भाई लेटेस्ट वाली है क्या एक ने पूछा यू, यूट्यूब पे भी चालू हो गया क्या तो ऐसा मत देखो तुम बाकियों के सारे वीडियो मेरी वजह से देखे गए लोग ढूंढ रहे थे कुछ चीजें हाँ तो जैसे मैं बात कर रहा था तो मैंने एक दोस्त को दोस्त नहीं है वो मतलब था कभी अब तो उसको लिंक भेजी तो उसने मुझे फोन किया अब ये दोस्त का नाम है समाज हाँ क्योंकि समाज ने इसकी इतनी ली है कि अब वो समाज का पार्ट बन गया है तो इसने मुझे फ़ोन किया और बोला कुणाल तेरा वीडियो वैसे ठीक ठाक था कुछ खास हंसने लायक तो नहीं था लेकिन एक प्रॉब्लम थी तू हाथ बहुत हिला रहा था <laughs> ओके तो क्या हिलाना चाहिए था YouTube है ये यू पॉन नहीं और अगर यू पॉन पर भी तुझे मेरे वीडियोस देखने हैं तो मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी अब इसके बाद आते हैं एडवाइज़ एजेंसी वाले दोस्त यू you नो know, हम लोग सबको लगता है कि शायद लाइफ में मैंने वो एक डिसीजन ना लिया होता तो आज मैं बहुत कुछ अलग लेवल पे होता ये सारे डिसीजन तुमने इन्हीं दोस्तों की एडवाइस से लिए थे मतलब इनकी वजह से तुम्हारे बैकलॉग लगेंगे क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारे घर पर आकर बोलेंगे चल ग्रुप स्टडी करते हैं फिर तुम लोग ग्रुप में फेल हो इनकी वजह से तुम्हारा बाप तुमको मारेगा क्योंकि ये तुमको बोलेगे सिगरेट पी स्ट्रेस कम हो जाएगा और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पौन के लिए मोबाइल में स्पेस बनाना स्ट्रेस नहीं होता इनकी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के चली जाएगी क्योंकि ये बोलेंगे भाई तुझे तो बहुत मिलेंगी अभी तक ढूंढ रहा हूं एक भी नहीं मिली इनकी वजह से तुम लोग किसी कमरे में अनजान लोगों के सामने बकचोदी कर रहे होगे क्योंकि ये कहेंगे जॉब छोड़ फॉलो योर पैशन लगता है सभी लोगों ने दोस्तों से धोखा खाया है <laughs> तो ऐसे ही तो जैसे मेरे मेरे पिछले वीडियो पिछला वीडियो इन्होंने देखा था तो उसमें से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू अगर खुद को डम समझता है ना तो तू न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर अब सी क्या होता है ना कि तुम्हें अगर कोई चीज़ तुम्हारे अंदर कोई कमी है और तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो कमी है जैसे मान लो तुम अंधे हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है ना अंधापन क्या होता है जब लोग बोलेंगे तुम अंधे हो तब तुम्हें बुरा लगेगा वैसे ही जब इसने बोला कि तू न्यूज़ पढ़ना चालू कर तब मुझे पता चला कि मैं डम तो हुई मैं बेवकूफ़ तो हुई मैं चूतिया तो हुई लेकिन मैं मनुष्य भी हूँ क्योंकि जैसे मैंने न्यूज़पेपर खोला पहली न्यूज थी बिल गेट्स का डिवोर्स हो गया <laughs> दूसरी न्यूज थी आईपीएल बैन हो गया तीसरी न्यूज थी कंगना नहीं हो दो तो।, <laughs> तो देखो अब कुछ साल पहले ऋतिक रोशन का भी डिवोर्स हुआ था देखो ऋतिक रोशन दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ फिर से दोस्त आएंगे कमेंट में बोलने के लिए कि बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है इलॉन मस्क है गांडू <laughs> तो नहीं मतलब उनको सिर्फ गांडू बोलना है या बाकी की दो लाइन कॉम्प्लीमेंट्री है तो तो अभी क्या करूँ मैं जोक बनाने के लिए इलॉन मस्क का डिवोर्स करा दूं भाई ऑलरेडी तीन बार कर चुका है तो देखो अब इलॉन मस्क बिल गेट्स ऋतिक रोशन इन तीनों के डिवोर्स हो चुके हैं मतलब इन तीनों का कट चुका है और मेरा भी कटा है तो देखो रेस में हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं है क्योंकि देखो अपने पास ना शक्ल है ना पैसा तब अपना कटा है <laughs> <laughs> तो इसके बाद आते हैं जो दोस्त इसके अलावा एक और एडवाइस मुझे मिली थी कि मैंने बोला था कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई तू इंग्लिश मूवीज़ देख तेरी इंग्लिश सुधर जाएगी प्रॉब्लम ये हो गया कि ये बोलकर भाई सो गया और उसने ये बताया नहीं कि कौन सी पिक्चर देखनी थी तो पहले सिर्फ मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी अब मैं भी कमज़ोर हूँ लेकिन यू you नो know, हर बुराई में कुछ अच्छा ही होती है रियली really? पता है ना अरे अभी तो बोला था तो अभी मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ मैं फ्रेंच स्पेनिश मलयालम बहुत सी लैंग्वेज मल्टी <laughs> लैंग्वेज <laughs> कोर्स कर रहा हूँ wow, wow, wow. <laughs> <laughs> तो इसके बाद आते हैं जो दोस्त यू नो you know, तुम सबको पता होगा हर एक ग्रुप में एक बखचौद दोस्त होता है सबसे ज़्यादा बखचौद दोस्त अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ग्रुप में नहीं है तो वो तुम हो <laughs> तो ऐसा मेरा भी एक बग्चो दोस्त है और उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहे इसलिए उसका नाम नहीं मैं लूंगा शुभम डोंट वरी सो <laughs> so, अब ये क्या है कि इसकी जो एनर्जी का राज है वो है चाय मतलब ये चाय पे ही जिंदा है जैसे सचिन कहता है ना बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी ही ये बोलता है चाय इज द सीक्रेट ऑफ माय बगचो तो भाई मुझे चाय पिलाने ले गया मुझे भी लगा चाय के साथ सिगरेट भी पिलाएगा क्योंकि यही कॉम्बिनेशन होता है ना मैं इंजीनियर हूँ हाँ वाँ। 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 हाँ नहीं एक एक सॉरी एक चीज़ मेरे को बोलनी थी मैंने बक्चोद लौंडा इसलिए बोला क्योंकि लड़कियों से ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं है फीमेल फ्रेंड के नाम पे सिर्फ एक दोस्त है एंजल प्रिया वो भी फेसबुक पर जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ अरे उसने भी मेरे को बोला था लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली एंजल प्रिया से फ्रेंड्स जोन हुआ पहला लड़का तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बगचौद है एंड मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो इतनी बात तो समझ गए होंगे कि बक्चोद लॉन्डे ही होते हैं तो भाई मुझे चाय पिलाने ले गया एंड वो चाय की शॉप कुछ अलग थी मतलब वहाँ पे 25 तीस टाइप की चाय थी मतलब वहाँ पे चॉकलेट चाय और बॉर्नविटा चाय थी जो सुनी नहीं थी कभी मतलब इससे ज़्यादा फ्लेवर्स मैंने सिर्फ कॉन्डम्स के देखे हैं लेकिन मतलब कॉन्डम में भी इससे ज़्यादा फ्लेवर इसलिए क्योंकि कॉन्डम में कॉफी फ्लेवर है भाई ने कॉफी फ्लेवर की चाय नहीं दी थी ये यार क्रिएटिविटी तो है तो मेरा भी सपना है कि सारे फ्लेवर ट्राई कर सकूं चाय के फ्लेवर ट्राई कर सकता हूं मैं इतना भी उधारी तो एनीवे anyway, तो बाबा बखचौद ले गए हमको मतलब मुझे चाय पिलाने तो जब इतने सारे फ्लेवर्स देखे तो बाबा बगचौद गए जो चाय बना रहे थे उससे वो दादा से बोलने के लिए कि मतलब बगचौदी करने के लिए ऑब्वियसली तो उन्होंने बोला दादा ऐसा कोई फ्लेवर है जिसकी चाय नहीं बनाते हो अब जो भी पुणे के नहीं है बाहर के हैं या जो भी बाहर से वीडियो देखेंगे उनके लिए एक छोटा सा वार्निंग है कि पुणे कर कभी जवाब नहीं देते वो सार्क थूकते हैं तुम्हारे मुंह पर तो दादा ने बोला सन छोड़ के हर फ्लेवर की चाय बनाता हूं सी <laughs> uh, कौन होगा जिसको मतलब uh, ये फ्लेवर की चाय पीनी है मतलब कौन है जिसको यार चाय में भी ठरक चाहिए See, चाय पीने के बाद बेसिक रिएक्शन क्या होता है हाँ मज़ा आ गया किसका रिएक्शन ऐसा होगा मजा आ गया इस बार थोड़ा जल्दी आ गया लेकिन खैर मतलब कौन है यार जिसको चाय की तलब नहीं हवस लगती है मतलब ये मैं सोच रहा था उतने में मेरी चाय तो ठंडी हो गई लेकिन बाबा बगचौत पी चुके थे चाय उनकी तो बाबा बगचौत चार्ज हो चुके थे तो बाबा बगचौद ने जाके पूछा भाई से कि अगर ला फ्लेवर की चाय बनाओगे तो उसे पीनी कैसी है